कनाडा के सरी स्थित हिंदू मंदिर में योग पर व्याख्यान। पंजाब से आए आयुर्वेदिक विभाग के राकेश शर्मा ने बताई योग की महिमा। भ्रामरी करने से होने वाले फायदे गिनाए। तो भ्रामरी करने से उदार वायु जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। प्राणायाम से तंदुरुस्त रहता है हमारा दिल। व्यान वायु को लगते हैं पंख। अब आते हैं व्यान वायु। व्यान वायु जो है वो हृदय के अंदर रहता है। इसका काम है सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरे ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना। ये व्यान वायु का काम है, ये हृदयस्थ रहता है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जैसे हृदयस्थ प्राण व्यान वायु है उसको भी बल मिले। तो प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारे दोनों फुफ्फुस जिसको लंग्स कहते हैं, लंग्स के ऊपर पूरा ऑक्सीजन हम पूरा भर लेते हैं, जिससे फ्रेश ब्लड जो है वो कहा जाता है हृदय में जाता है और वहां से पूरे शरीर को सर्कुलेट होता है। तो प्राण जो है, प्राणायाम जो है, पूरे मस्तिष्क के लिए, प्रदेश के लिए, हृदय के लिए, तीन दो वायु को अच्छा करता है। कपाल भाती से उधर रहेगा ठीक, पाचन प्रक्रिया भी बनेगी अच्छी। समान वायु, समानो अग्नि समीपस्थ। हम जो भोजन करते हैं वो भोजन पचता किससे है, उसको समान वायु पचाता है, तो उसके लिए कपाल भाती। आयुष विभाग के साथ राकेश शर्मा कर रहे हैं योग पर काम। कार्यक्रम में शामिल हुए कनाडा से आए कई साधक। आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो तुरंत YouTube पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें।